वेलकम बैक दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं वंश और आप लोग देख रहे हैं टेक्निकल ब्रोकी। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि यार आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐप्स के बारे में। ये पहली ऐसी वीडियो है ऐप्स के बारे में मेरे चैनल पे, जिसमें हम गेमिंग ऐप्स के बारे में बात करेंगे, गेमिंग ऐप्स। और हम कुछ ऐसे कुछ गेम्स छाट के लाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खेलने में हैं और जिनका साइज़ बहुत कम है, सिर्फ लेस देन 100 MB, मतलब 100 MB के अंदर भी आ जाएंगे वो, 100 MB का भी नहीं है कोई, बहुत ही कम साइज़ है उन गेम्स का। और 5 गेम्स हमने चूज़ किए हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। उनकी लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनके नेम भी मैं अभी आपको बताऊंगा। बस आप वीडियोज़ को एंड तक देखिए, बहुत ही मज़ेदार गेम्स हमने खेले हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, नोटिफिकेशन मिल जाएगा ताकि आपको सारे, और लाइक कर दीजिए वीडियो को। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जो पहला गेम होने वाला है हमारा, जो सबसे नंबर वन गेम है, और वो होने वाला है हमारा एक रेसिंग गेम है, जो कि आपको प्ले स्टोर पर अवेलेबल होगा, और इसका साइज़ भी 100 MB से लेस है, और इसका नाम है ट्रैफिक राइडर। सच में मतलब खेलने में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, आप देखो वीडियो में लगाता हूँ, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, मतलब एकदम असली लगता है। जैसे अगर आप इसे खेलते से लगता है कि सच में हम बाइक ही चला रहे हो, एकदम रियल बाइक वाले साउंड हैं, हॉर्न है, और अलग अलग तरीके की 15-20 गाड़ियाँ हैं इसमें, बाइक्स हैं, मतलब बढ़िया बढ़िया। और एड्स देखिए भी आप, मतलब पैसे इसमें कलेक्ट कर सकते हो, और बढ़िया गेम्स हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, जो भी हमारा दूसरा गेम होने वाला है वो एक पज़ल गेम होने वाला है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गेम है, 100 MB के अंदर है जैसा कि है। और ये जो गेम है बिल्कुल पज़ल वाला है, अगर आप लोगों को पज़ल गेम पसंद है तो यार ये आपको बहुत पसंद आएगा, जिसका नाम मैनोग्राम है, और ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है, और 100 MB के अंदर भी है। सो जो गाइस, हमारा जो नेक्स्ट गेम है 3 नंबर पे, जो है सबसे बढ़िया गेम, ये मुझे लगा, मेरा फुल्ली एक्सपीरियंस अपना बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा यही गेम बढ़िया लगा, इसका नाम है स्टम्बल गाइस। और यार ये दोस्तों बहुत ज़्यादा अच्छा गेम है। इसमें होता क्या है, हमारा एक बंदा होता है जिसे हमें घुमाना होता है, एंड पे ले आना होता है, और उसमें बीच में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, एकदम से बहुत सारे, कभी कोई ऑब्स्टिकल आ जाएगा, कभी कोई बॉल आ जाएगी, कभी ये नीचे गिर जाएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार गेम है ये। सबसे ज़्यादा अच्छा तो मुझे यही गेम लगा, और ये गेम भी सिर्फ 100 MB के अंदर है, प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और सारे गेम्स के दिए सबसे अच्छा गेम मुझे लगा ये, आप बताना आप। सो फ्रेंड्स, चौथे नंबर पे जो हमारा गेम होने वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा गेम है, मैंने ज़्यादा नहीं खेला लेकिन हाँ खेला है, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ अपने, इसका नाम है मार्स मार्स। इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब एक जो सेटेलाइट होता है, आपको एक जगह से दूसरी जगह पे अपना लैंड करना होता है, मगर हाँ ये गेम डिफ़िकल्ट बहुत है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट गेम है ये, अगर जरा सा भी इधर हुआ तो ये तुरंत नीचे फट जाता है, और फिर दोबारा आपको करना पड़ता है, बस यही दिक्कत है आपकी, और इसमें बस यही दिक्कत होने वाली है। मगर ये सबसे ज़्यादा टफ गेम है, भले ये सबसे ज़्यादा इजी दिखता हो मगर है सबसे टफ गेम, ये करना इसमें बस इतना ही है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, मगर बार बार गिर जाते हैं तो ये फिर आउट हो जाते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो गेम है हमारी वीडियो का लास्ट गेम है 5वें नंबर पे, और ये गेम का नाम है पिफल। बहुत ही ज़्यादा फनी गेम है ये, बिल्कुल ट्रबल शूटिंग की तरह गेम है ये, ये भी प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और ये भी 100 MB से लेस है। तो फिर इसमें होता क्या है, ट्रबल शूटिंग की तरह एक होता है आपको गन, उसी से मतलब पूरे मारना होता है चारों तरफ, और ये काफ़ी फनी गेम है, मज़ा आएगा आपको खेलने में। इसका म्यूज़िक भी बहुत बढ़िया है, पीछे मतलब म्यूज़िक जो बज रहा है, बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, जो ट्रैफिक राइडर की तरह ही एकदम, ये भी बहुत मज़ेदार गेम लगता है, बिल्कुल ट्रबल शूटिंग की तरह है। तो आपको कैसा लगा, अगर गेम अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, अगर इसमें से कोई भी गेम आपको अच्छा लगा हो 5ों में से, तो प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलिएगा कि आपको कौन सा गेम अच्छा लगा। और हाँ, एक ज़रूरी मैं बता दूँ, तो ये गेम सारे ही जो भी हैं नॉन चाइनीज़ हैं, ये बहुत ज़रूरी है, इसमें कोई भी चाइनीज़ गेम नहीं है, कोई भी बैन नहीं होने वाला है। और मेरे हिसाब से तो आपको इनमें से एक ना एक गेम कोई ना कोई मतलब हर एक बार तो ट्राई करना ही चाहिए, क्योंकि ज़्यादा 100 MB का भी नहीं है यार, ट्राई करने में तुम्हारा कुछ नहीं जाता, और पक्का आपको गेम अच्छे लगेंगे। एक पज़ल वाला थोड़ा बोर लग सकता है, सिंपल वाला भी काफ़ी बोर होगा, लेकिन हाँ ट्रैफिक राइडर है, बहुत सब बाकी 3 गेम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मार्स वाला भी वगैरह था। तो प्लीज़ अगर अच्छे लगे हो ना वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना टेक्निकल ब्रोकी को, सब्सक्राइब कर दो प्लीज़ यार, और लाइक करो वीडियो को, शेयर करो।